हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसोई मील। आज की मेरी रेसिपी है क्रीमी पालक कॉर्न। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है और बहुत ही जल्द बन जाती है। चलिए तो फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 250 ग्राम पालक ली है, इसको धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। यहाँ पर हमने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी गर्म हो जाएगा उसमें हम पालक डाल देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इसको ऐसे डालने से पालक का रंग भी नहीं जाएगा। वैसे भी हरी सब्जियों को कम ही पकाना चाहिए। इसको ऐसे ही 5 से 7 मिनट के लिए फिर रख भी देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको हमें ग्राइंड करना है। अब इसको हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने पैन रखा है, इसको गर्म होने देंगे। इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है। अब इसमें हम कटे हुए प्याज डाल देंगे। इसको गुलाबी होने तक भूनना है। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए गुलाबी हो गया है। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक भी मिला देंगे। इसको भी थोड़ा सा भूंज लेंगे। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे। इसको भी अच्छे से भूंज लेंगे। फ्लेम को धीमा कर देंगे। जब तक वो भुंज रहा है तब तक ये पालक का पेस्ट बना लेंगे। पालक का पेस्ट बनाते समय इसमें हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये देखिए पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। इसको एक बार फिर से चला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड कॉर्न। इसको भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पालक का पेस्ट। इसमें हमने मसाले ज्यादा यूज नहीं करे हैं। इसको भी अच्छे से चला देंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। अब इसमें हमने पालक का जो पानी बचा था वो डाल दिया है थोड़ा सा। अब इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम इसको क्रीमी लुक देने के लिए इसमें हम 1/2 कप फुल क्रीम दूध डालेंगे। इससे क्रीमी हो जाएगी। इसको फिर से चलाएंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा और कुक करेंगे। ये देखिए हमारी पालक कॉर्न रेसिपी तैयार हो गई है। इसको हमने बाउल में निकाल लिया है। अब इसको ऊपर से क्रीम से गार्निश करेंगे। आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।
अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए, और अगर रेसिपी पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।